सोनार क्या है? तो सोनार एक डिवाइस है जो अल्ट्रासाउंड पे काम करती है, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड कह रहा हूँ, एको पे काम करती है, इको पर, इको कहते हैं एको, एको पे हैं। तो जो बताया था 70, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, 70.2 मीटर। दीपांशु नहीं आया, अभी बैठा है। 70.2 मीटर पे काम करती है, सुनो ये सारी बातें हैं। तो अब देखते हैं बेटा, तो ये रेवरेवेशन कल करा दी है मैंने, अनुरणन है ना, सुनार। तो ये किस पे काम करती है, एको पे काम करती है, सुनो। और जैसे कि बताया था कल मैं, क्या थोड़ा सा डिस्कशन हुआ भी था कि सुनार के बारे में, है नहीं, है जी। तो यहाँ से अंडरलाइन करो बेटा, सुनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नहीं समझे, एस ओ फॉर साउंड, एन ए एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड और आर फॉर रेंजिंग। तो सोनार फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब पता, नाम से पता लग रहा है कि आवाज़ की ये पता कर रहा है, उसको नेविगेट कर रहा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए प्रयुक्त होता है। फुल फॉर्म लिख लो ना, एस ओ एन ए आर, हिंदी में सुनार ऐसे लिखोगे ना तुम, सोनार, सो नार, ये वो नहीं है जो ज्वेलरी बनाने वाला, ये डिवाइस है जो ओशन में यूज़ की जाती है, अंदर की सबमरीन्स, पनडुब्बियाँ, या ज़मीन के अंदर चट्टाने, पहाड़ हैं, स्टोन्स हैं, उनको पता लगाने के लिए, नीचे अगर कोई शार्क घूम रही है उसका पता लगाने के लिए, व्हेल घूम रही है उसका पता लगाने के लिए। तो अंडरलाइन को डेफिनेशन की है क्या, यहाँ से यहाँ तक, सोनार इज एन एपरेटस और डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ सी और टू लोकेट द अंडर वाटर थिंग्स लाइक शॉल्स, फिश, शिपरैक्स एंड इनेमी सबमरीन्स। मिल गया बेटा, ये सारा है, क्लियर क्लियर, हिंदी में लिखो, क्या लिखोगे? हाँ जी, यहाँ से सुनार एक उपकरण है। चलो बेटा, मिल गई है। अब इसमें क्या होता है, एक सुनार, यहाँ से द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट इज देन कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम टेकन बाय द इको रिटर्न, द टाइम इट टेक फॉर एन इको टू रिटर्न इज यूज टू फाइंड आउट हाउ फार अवे समथिंग इज, पता है ना। अच्छा, टाइम आधा कर देते हैं, आधा पता है ना, तो उससे हमें डिस्टेंस मिल जाती है, कल बताया भी था मैंने, क्यों डबल टाइम लगता है ना जाने में, तो उसका आधा कर देते हैं। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम डबल ना करके उसे हाफ कर देंगे, क्योंकि डबल टाइम लग रहा है ना, 2 सेकंड जाने के, 2 सेकंड आने के, तो 4 सेकंड है तो 2 सेकंड लेंगे, 6 सेकंड है तो 3 सेकंड लेंगे। यस, यही कह रहा है। सोनार अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर में जो सिग्नल भेजता है, और एक होता है रिसीवर जो सिग्नल लेता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा है ना, कुछ दिन पहले मैं लगाता था एक ट्रांसमीटर ऐसे करके यहाँ पर, तो वो जो था वो ट्रांसमीटर था, और मोबाइल में एक डिवाइस लगाता था वो था रिसीवर, वो उस आवाज़ को वायरलेस रिसीव करता था। तो ऐसे ही उन्होंने डिवाइस लगा रखी होती अपने जहाज के, शिप के नीचे, और वो एक फेंकती है पहले, फिर जाके टकरा के वापस आती तो एक रिसीव करती है, वही कह रहा है। ठीक है, बाकी इतना काफ़ी है, सुना था बस, कंप्लीट हो गया, क्लियर, सुना समय आ गया। देखो ऐसे लगा होता है शिप के नीचे, दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से बना हुआ होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो लाइन जो बता रहा था वो ये लिखो, ये वाली, हाफ ऑफ दिस टाइम, दिखाई दे रहा है, आज समय का आधा, अगला, हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम शिप टू बॉटम ऑफ द सी, मिल गया है ना, उससे उसके, हाँ, इस समय का आधा जहाज के समुद्र के तल तक प्रगमन करने में पराशर द्वारा दिए गए समय को बताता है, मिल गया। चलो ये अच्छा, हमने बता दिए क्वेश्चन जो टेस्ट में आ रहे हैं केमिस्ट्री के,
एनसीईआरटी का फर्स्ट एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर के पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे और टिक मार्क लगाए हुए हैं और उनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है, अंदर का नहीं दे रहा, ठीक है, सिर्फ दो चैप्टर आएंगे कल टेस्ट में, ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, मैटर अराउंड अस इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, पहला चैप्टर का नाम क्या है और दूसरा इज मैटर अराउंड अस प्योर, हिंदी में पहला हमारे चारों पदार्थ, क्या हमारे चारों पदार्थ शुद्ध होते हैं, ठीक है, तुम नहीं हो टेस्ट में, बाकी सारे हैं, आपको तो पढ़ाया है ना मैं चैप्टर, मैंने केमिस्ट्री के दोनों पढ़ाया आपको मैंने, तो फिर तो बुक तो मैं ला के दूंगा ना आपको, मैं दुकान जाऊंगा तब लेके आऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, हाँ एनसीईआरटी के तो हैं क्वेश्चन आपके पास, तो वही तो दे रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी, हाँ तब भी क्या कौन नहीं थी, हाँ तो आप नहीं थी तो आप मत दो टेस्ट, कर तो टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट आपके लिए नहीं हो रहा, टेस्ट सबके लिए हो रहा हो, टेस्ट बच्चों का टेस्ट है, पेपर एग्ज़ाम है उनके भी, आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, आप चाहो दे देना, आगे बढ़े बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन वन देखते हैं बेटा, सैम्पल वाला वन देखते हैं, चलो आ सोनार डिवाइस अटैच टू अ शिप एंड सेंड, मतलब एक शिप के नीचे लगी हुई है और वो भेज रही है अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द सी, ऐसा क्वेश्चन आता है, दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टिव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, टकरा के वापस आती हैं, इधर अल्ट्रासोनिक वेव्स टेक्स 4 seconds टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द शिप इन फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एन इको, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी, दिखाई दे रहा है, हमने बताया था जो भी टाइम है उसका आधा कर देना, कितना टाइम ले रहा है, 4 seconds, दिखाई दे रहा है हिंदी में, हाँ कार्तिक कितना टाइम ले रहा है, उसको भी दिखा दे, थोड़ी सी किताब यार है, जहाज से लगी हुई एक सुनार युक्ति समा, जहाज से लगी हुई एक सुनार युक्ति समुद्र के भीतर पराश्रव्य तरंगे भेजता है, यह तरंगे समुद्र तल से परावर्तित होते हैं, यदि पराश्रव्य तरंगे जहाज में समुद्र तल तक और वापस जहाज तक परिक्रमण करने में 4 seconds लेती हैं, मिल गया, समुद्र की गहराई क्या है, मतलब पता है ना, टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन स्पीड का फॉर्मूला है, या तो ये सुन लो, और साउंड की स्पीड तो आपको पता है कितनी दी है इसने, 1500 जब गिवेन होती है 344 होता है, लेकिन अगर गिवेन हो तो अपनी नहीं लगाओगे, जो दी है वो लगाओगे, क्योंकि स्पीड हमें पता है साउंड की स्पीड होती है, लेकिन वाटर में तो तेज होती है ना, 344 तो होगी नहीं, वो तो एयर में है, तो वाटर में तेज होगी, कितनी होगी, तो दी हुई ने कितनी दी है स्पीड, 1500 दी है ना, डिस्टेंस निकालना है, टाइम 4 seconds दिया था याद है, लेकिन हम लेते हैं हमेशा क्या है उसका आधा, क्योंकि जाने का और आने का बताया था, आवाज़ लगाओ आवाज़ वापस आती है ना, तो जो भी आती हैं, क्योंकि जाने के बाद आती हैं ना, डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डबल टाइम लेकर, तो कहने का मतलब टाइम को हमें हाफ करना पड़ेगा, तो हमने कितना कर दिया उसका, 2 स्पीड 1500 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 3000 meters, यानी 3 kilometers गहराई है, ठीक है, ओशन के अंदर, यानी ऊपर पानी जो है वो 3 kilometers ऊँचा है, समझ में आ रहा है, तो 3000 meters, अगर 1000 meters इज इक्वल टू 1 kilometer, मिली सेंटी डेसी मीटर देगा एक्टर किलोमीटर, कल से आप आगे बैठोगी, समझ में आ रहा है, हाँ ये हो गया, अच्छा एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये वाला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, मिल गया क्वेश्चन लिखो, राइट द एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, हिंदी में लिखो, पराश्रव्य लिखा है ना, पराश्रव्य ध्वनि के कौन कौन से, इसको इस बेचारे को भी दिखा दे यार, राइट द एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, लिख लिया, राइट द एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, हिंदी में कह रहा है पराश्रव्य ध्वनि के लाभ बताइए, पहला, अच्छा ये कितनी होती है आप बताओ, अल्ट्रासोनिक वेव्स इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, इंफ्रा लेस देन 20 hertz, अल्ट्रा मोर देन 20,000 hertz, ये पेपर में आएगा बच्चे, तुमने आई थी ना कल संडे को, आई थी और तुम्हारे पड़ोसी, ये तो खतरे में है, बस मिल गया,
हाँ, सो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कैन नॉट बी कन्फ्यूज विद इंजन्स नॉइज और अदर साउंड मेड बाई द शिप। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कन्फ्यूज़ नहीं होती, क्योंकि शिप की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा तो वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है, तो इसलिए ये फ़ायदेमंद भी है। अगला क्वेश्चन है बैट्स का, मिल गया। ये आपका चमगादड़ जो है, ठीक है, समझे। बैट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो, ये आते हैं पेपर में। ये तो एक तो आ गया आपका शिप वाला अल्ट्रा, जो डिवाइस जो लगाई है उन्होंने नीचे, सुनार का क्वेश्चन हो गया, और तीसरा हो गया वाला बैट्स का, चमगादड़ वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पता है अंधा होता है, चमगादड़ देख नहीं पाता, ठीक है। और ये पता है इसका हिसाब तो पता ही है, उल्टा लटकता है खोपड़ी नीचे, ये कभी देखा हो आपने चिपका हुआ कहीं, है ना, है ना। अभी सुनने में आया था एक चमगादड़ $5 बहुत बिके थे, $5 का एक चमगादड़ इंडियन करेंसी में, $5 हो गया करीब आपका 5-7 पैसे 350-400 रुपये का एक, बहुत बिक रहे थे, है ना। तो है 75-75 $70 है, $70 पता है आपको, डॉलर कई तरह के होते हैं, हर कंट्री का बहुत सी कंट्री में चलता है। तो अच्छा, तो 70-75-80 मांगे चलो, है ना। तो चमगादड़ पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन, अभी कार्तिक कह रहा भी जाएंगे सारे पोंटा पर से पकड़ लाएंगे, है ना। समझे, वहाँ भी बहुत लटके रहते उल्टे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, बैट फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट बाय द मेथड, ठीक है। उसका भी मेथड होता है, कभी देखा चमगादड़ टकराता नहीं है कभी, क्यों नहीं टकरा पाता, ये पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर क्या, से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इन नेचर द प्रिंसिपल ऑफ सोनार इज यूज बाय बैट्स बाय फॉर अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ एंड लोकेटिंग प्रे वाइल फ्लाइंग एट नाइट, मतलब उसकी समस्या को समाधान करने के लिए उसके पास भी सोनार डिवाइस है, उसे नेचर ने दी है, ठीक है। द मैथड यूज बाई सम एनिमल लाइक बैट्स पॉरपोइज़ेस एंड डॉल्फिन, ये क्या होता है पॉरपोइज़ेस, क्या लिखा पढ़ना, पॉरपोइज़ेस लग दो देखो, हाँ। तो ये था इसके अंदर कौन कौन सी, शिनशुक डॉल्फिन्स तो पता है ना, पॉरपोइज़ेस क्या होता है, पॉरपोइज़ेस ये एक एनिमल होता है ओशन में, ये एक तरह का एनिमल है, ये फिश जैसा होता है, आर अ ग्रुप ऑफ फुली एक्वाटिक मैरीन मैमल्स, जैसे आपकी व्हेल्स है मैमल्स होती है, ये भी फिश जैसी है लेकिन क्योंकि इसकी नाक है तो ये मैमल्स में है। ऑल ऑफ विच आर क्लासिफाइड अंडर फैमिली फैसिनाइडे टूथ, ये वेल्स का ही है, टूथ वेल्स कहते हैं इसको, वेल्स की फैमिली की है, ठीक है, पॉरपोइज़ेस, ठीक है। अच्छा, वेल्स भी सुनारी यूज़ करती है ना, है ना, क्योंकि वेल चिल्लाती है, है ना, वेल्स भी करती है, वेल्स नहीं चिल्लाती, आप मिलने गई थी, हाँ हाँ। तो इसमें वैसे पॉरपोइज़ेस वेल्स की कैटेगरी है, टूथ वेल्स लिखा है उसके नाम के आगे, पॉरपोइज़ेस की 7 स्पीसीज हैं जिसमें वेल्स भी है, टूथ वेल्स इसकी स्पीसीज हैं, जातियाँ का मतलब स्पीसीज क्या होता है, मतलब उसी की बरादरी के। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अंडरलाइन कर लो, तो ऐसे ही बता रहा था जो यूज़ करती हैं, लेकिन और भी हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा था, पॉरपोइज़ेस एंड डॉल्फिन बताया, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल ऑफ ओशन, फिश क्या है लेकिन इसे एनिमल कहेंगे क्योंकि ये गिल्स नहीं रखते बल्कि लंग्स रखती है, फेफड़े होते हैं, इसकी नाक होती है, एक शो भी आता है उसका, हो गई छुट्टी है, नहीं नहीं तभी दे रहा वो बाद में जाते वक्त, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, द मेथड यूज बाई द सेम एनिमल लाइक बैट्स प्रोपोजेस एंड डॉल्फिन टू लोकेट द ऑब्जेक्ट बाई हियरिंग द इकोज ऑफ देयर अल्ट्रासोनिक, इसकी इज कॉल्ड इको लोकेशन। तो एक और डेफ क्वेश्चन मिल गया आपको, डिफाइन इको लोकेशन, दिखाई दे रही है। तो एक मेथड होता है, इसको इको ही है ये इसका नाम, लेकिन उन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया, इको लोकेशन इज नथिंग बट दैट इज़ अ इको, यस और नो। तो ये जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है इको लोकेशन हिंदी में। हाँ जी भाई, प्रतिध्वनि निर्धारण, क्या कहते हैं इसको, प्रतिध्वनि निर्धारण, ये सारे जंतु इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो
पकड़ो। अब बात करते हैं बैट्स की, किसकी बात करते हैं हम, बैट्स की करते हैं, अंडरलाइन कर दी बेटा मैंने, ये तुम छाप लो ठीक है, पकड़ो। हाँ तो बात कर रहे हैं बैट्स की, तो बैट्स का क्या करता है अंडरलाइन करो, बैट्स फ्लाइंग इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग, कोलाइडिंग मतलब टकरा कर, टकराए बिना। और कोई बता कोलाइड सोल्यूशन लिखा है यहाँ पर, ये कोलाइड माने टकराना भी होता है, एक कोलाइड सोल्यूशन भी होता है ठीक है, सोल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन। हाँ जी, विद अदर ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल बाय द मेथड ऑफ इकोलोकेशन, ये आ गया इकोलोकेशन, क्या होता है समय आ गया, इकोलोकेशन यानी 70.2 मीटर एंड मोर देन, तो उनकी जाती है फिर वापस आती है तो पता लग जाता है, और वो टाइम को आधा कर देते होंगे है ना फॉर्मूला लगा कर, तो उन्हें पता लग जाता होगा कि यहाँ पर है। बैट्स सर्च देयर प्रे लाइक फ्लाइंग इंसेक्ट एट नाइट बाय द मेथड ऑफ इकोलोकेशन, बाकी इतना ही था, यानी बैट्स किसका इस्तेमाल करता है, अपने इकोलोकेशन का इस्तेमाल करता है, और इकोलोकेशन क्या होती है, इको होती है, और इको मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे होती है आप बताओ, 17.2 मीटर, लिख लो आप अपने अपने दिमाग के अंदर लिख लो ये बात, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कितनी होती है इको, 17.2 मीटर, क्वेश्चन आने वाला है भाई ये वाला पेपर में। तो ये आ गया अगला टॉप टॉपिक हमारा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, क्या कह रहा है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के कौन कौन से करैक्टर हैं हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है, लास्ट टॉपिक आई थिंक है, चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद ह्यूमन ईयर है बस फिर कंप्लीट ठीक है। हाँ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये यहीं तक हो पाएगा क्योंकि टाइम हो चुका है, देखो साउंड में होती लाउडनेस, सुन लो मेरी बात, एक लाउडनेस होती है लड़कियों की आवाज़ में पिच होती है, लड़कों की आवाज़ में लाउडनेस होती है, याद है वोकल कॉर्ड का नाम सुना है, क्या होता है बताओ, अरे साउंड को नापने का एक ऐसा यूनिट होती है, बताओ यूनिट ऑफ साउंड क्या होती है, डीबी, डेसिबल, देखा होगा आपने कभी इंस्ट्रूमेंट खरीदे हो हेडफोन कुछ भी, तो डिब्बा आता है उसके साथ में डीबी लिखा होगा, वही देखना ठीक है। तो ये है, चलो तो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से, अच्छा लड़कों की आवाज़ में लाउडनेस होती है, लाउडनेस होती है भारी, इसके पीछे वोकल कॉर्ड की कहानी है ना, कितना एमएम से ज़्यादा होता है, लड़कियों का वोकल कॉर्ड छोटा होता है, लड़कों का बड़ा होता है, जिसके कारण वो आवाज़ भारी हो जाती है ठीक है। कितना यहाँ पे लिखा था, कुछ एमएम होता है, 2 mm ऐसे कुछ था, कितना देखना है, कहीं पढ़ना पड़ेगा फिर पूरा, लिखा है ऐसे कहीं, लिखा है इसमें कहीं था, मैंने पढ़ा तो था, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड शायद 2 mm था, ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन, मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वोकल फोल्ड साइज, एडल्ट मेल वॉइसेस आर यूजुअली डीपर, मेल्स एंड हैव थिकर कॉर्ड, द मेल वोकल 17 mm से 25 mm, 17 mm से 25, छुट्टी हुई इनकी है, मरियम मैम कहाँ है, मरियम मरियम अंदर तो मरियम मैम पढ़ा रही थी, वो कहाँ गई, अच्छा ठीक। हाँ देखो मैन में वोकल कॉर्ड होता है, अंडरलाइन करो, लिखो लिखो, 17 mm से 25 mm वोकल कॉर्ड ऐसा होता है, चलो मैं लिखो मैं दिखाता हूँ, देखो लिखो 17 mm टू 25 mm, 17 mm से 25 mm होता है मैन में वोकल कॉर्ड, और जो फीमेल में होता है वो होता है 12.5 mm से 17.5 mm ठीक है। मैन में कितना होता है, अच्छा जो छोटे लड़के होते हैं उनमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो उनकी कहते हैं आवाज़ फट गई, तो 17 से 25 हो गया, जैसा नो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी छोटे होते हैं वोकल कॉर्ड, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आवाज़ क्या जाती है भारी, है ना, इसी लड़कों की आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी क्योंकि भारी है फैल जाएगी, और लड़कियों की आवाज़ होती है तीखी पतली, है ना, यहाँ चिल्लाएंगी तो समझे, हाँ हाँ तो देखा होगा आवाज़ें आती हैं
बहुत दूर दूर तक है ना, जब कभी उसकी लड़ाई होती है ना नहीं भाई, रात में लोग डर जाते हैं, जीतगढ़ समझते हैं जीतगढ़ से आवाज़ आ रही, वो नहीं पता यहाँ से आवाज़ आती है, वहाँ टकरा के इको हो रहा है। हाँ ये है सही में, अः हाँ आपसे मैं आया मुझे, जीतगढ़ की जो पहाड़ी है वो तो पहाड़ी है, यहाँ होती है लड़ाइयाँ। हाँ आपसे मैं आया मुझे, ये सीधा सट तुम देखो ना, सही सही ऐसे ही होता होगा। ये जो है पहाड़ी है ना, शिवकुंड के जस्ट पीछे ही तो है जीतगढ़, शिवकुंड के जो पल्ली साइड जो थी, तो उधर जाएंगे तो जीतगढ़ है ना, और ये ऊंचाई है यहाँ से, ये लोग लड़ते होंगे इधर पे, और पूरा ग्राउंड खाली है। हाँ यही होगा, ये ग्राउंड पहाड़ी वाला ग्राउंड खाली नहीं है, और ये लोग लड़ते होंगे रात में, लड़ाइयाँ करते वहाँ पे आवाज़ सुनाई दे, वो लोग डरते होंगे, ये है क्या, और वो समझते वहाँ से आवाज़ आ रही है, और वो होता है एको, यहाँ से ही होता है। देखो आ गई ना, आज मैंने देखो सोल्व कर दिया, यहाँ का सोल्व कर दिया केस मैंने। जीतगढ़ इज़ द मोस्ट वॉन्टेड प्लेस ऑफ दिल्ली, जो टॉप 10 में आता है वॉन्टेड प्लेसेस में। 11 बजे के बाद वहाँ रोड बंद कर देते हैं, समझे, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है ASI का, ASI जो बोर्ड होता है उसका नाम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उसमें वो जो सर्वे जब बोर्ड लगाते हैं उसमें लिख देते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो साइंस की समझ के बाहर है, यानी कुछ ऐसी वेव्स हैं, ऐसी फ्रिक्वेंसी हैं जो विज्ञान की समझ के बाहर है, जैसे राजस्थान में कुलधारा और भानगढ़ किले, सुना है ना, मोस्ट वॉन्टेड प्लेस, आज तक की पूरी टीम गई थी और वापस नहीं आई, समझ में आ रहा है, समझे, इसकी स्टोरी सुनाऊंगा किसी ने। अच्छा मैं बात करूँ जितना देख लो छुट्टी करो, तो ये क्या था, वोकल कॉर्ड, हाँ जी, VOCALCHORD, वोकल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, देखो होता कैसे दिखा देता हूँ बाकी तुम्हें, वोकल कॉर्ड, हाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका बॉयज बॉक्स, इसे कहते हैं लैरिंक्स, है ना, लैरिंक्स है ना, बॉयज बॉक्स ये होता है यहाँ पर, है ना, ये वाला है ना ट्रेचिया, ये होती है आपकी ये वाली सांस नली, है ना ट्रेचिया, ये वाली सांस की होती है, एक वो फूड पाइप होती है एक हमारी, इसको कहते हैं एसोफेगस, फूड पाइप, और एक होती है सांस की नली, इसे कहते हैं ट्रेचिया, देखो उसके ऊपर एसोफेगस दिखाई दे रही है वाली, ये एसोफेगस है फूड पाइप, और ये आपकी एबी ग्लोटिस, और टंग है ये हमारी, और ये हमारा ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं बॉयज़ बॉक्स, है ना, और ये आपका जो पार्ट है ये वाला, ये आपका वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया। तो अब बात कर रहे थे, लाउडनेस क्लियर कर दूँ फिर छुट्टी करता हूँ, ठीक है, तो लाउडनेस क्या होता है हमारा, ये मेल्स की होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी लाउडनेस, फिर करा दी मैंने सारा, बचा ही नहीं कुछ, तो आगे लाउडनेस क्या है, तो यहाँ पर लिख लो, अंडरलाइन यहाँ करो लाउडनेस का, ये है लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी, है ना, यहाँ से द लाउडनेस ऑफ साउंड इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग टू ईयर पर सेकेंड, पर सेकेंड के हिसाब से हो गया ना, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, किस पर डिपेंड करता है, हमने आपको वेवलेंथ बना के दिखाई थी याद है, और वो किस पर डिपेंड करता है, देखो लड़कों की जो आवाज़ होती है अगर साइंटिफिक मैटर से हम समझें, उनका जब जो वेवलेंथ होती है पता है ना, वो ये ज़्यादा होता है, कौन सा पार्ट, ये दिखाई दे रहा है एम्पलीट्यूड, आयाम, ये ज़्यादा है, ऊपर क्रैश नीचे टपता याद है, लड़कियों की जो आवाज़ होती है वैसे नहीं चलती, क्या चलती है, नहीं समझी मेरी बात, अगर मैं लड़की की आवाज़ निकालूँ तो वो कैसे निकलेगी, ऐसे करके दिखाई दे रहा है, लड़कियों की फ्रिक्वेंसी कम है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कम है, लो एम्पलीट्यूड है यानी वो पिच है, तो आवाज़ तो ज़्यादा दूर जाएगी, अब मान लो किसी चीज़ को ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही ऊपर घूमने में, और लड़की की आवाज़ वो ऐसे ऐसे जा रही है सांप की तरह, है ना, तभी नाटक आते नागे लड़कियाँ होती हैं, है ना, ये समझो, तो ये है क्लियर, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, देखो यही था डिफरेंस, क्लियर, एम्पलीट्यूड का इशू है, लड़कों का एम्पलीट्यूड क्या होता है वो ज़्यादा होता है, लड़कियों का एम्पलीट्यूड कम होता है, दिखाई दे रहा है, इसलिए लड़की अगर बोलेगी तो वो सीधी आवाज़ नहीं इधर वालों को नहीं सुनाई देगी, अगर मैं बहुत ऊँचे से बोल रहा हूँ
तो लड़कियों के बाद ऐसी जाएगी, इधर वाले नहीं सुन पाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है? सीधी लड़का बोलेगा तो एम्पलीट्यूड आ रहा है ना, मेरी आवाज़ ऐसे जा रही है, आ गया इधर इधर सबको मिल रही है, क्लियर? ये था आई एम्पलीट्यूड, समझ में आया? बताया था उसने मैंने, हाँ जी क्या होता है, हेलो ये ना वेव, ओए ऊपर की नीचे की एक वेव यहाँ से यहाँ तक होती है, तो इसकी जो ऊंची हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं हम, लिख लो यार क्या कहते हैं, नहीं पता तो इंग्लिश में एम्पलीट्यूड, या सुनो ये हो गया, चलो हटाते हैं। तो अब पिच पे आ जाओ, पिच इज दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड, अलाइन करो, पिच इज दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस ऑफ साउंड ऑफ सेम लाउडनेस, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मिल गया, देखा रहा है? तो पिच जो है वो क्या है, पिच ऑफ द ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, किसके होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो और एक अंडरलाइन करो, क्लियर होगी बात, यहाँ पर द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड द हायर विल बी इट्स पिच, मिल गया, ये हो गया। हाँ हो गया बेटा, क्लियर? ये कर लो, क्वालिटी और टिम्बर देख लो, दिखाई दे रहा क्वालिटी टिम्बर मिला तुम्हें, हाँ दिखाओ जल्दी से, अंडरलाइन कर लिया तुमने, कर लिया, चल रही है। आप कहते हैं स्वरूप, ये स्वर की बात करता है, क्वालिटी और टिम्बर किसकी बात करता है, स्वर की, क्या कर अंडरलाइन करो उसमें, क्वालिटी ऑफ टिम्बर में, बस कंप्लीट हो गया तुम्हारा, वे देखो मैंने यहाँ से लो, क्वालिटी और टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस ऑफ प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिफरेंट सिंगर्स, मिल गया, शहनाई, नाम सुना है? शहनाई की हिस्ट्री पता है, दीदी ने पढ़ा दिया, हो गया, क्या पढ़ाया, क्या था डिफरेंस बताओ, शाह राजा के दरबार में नाई ने बजाई, तो शाह नाई, जिसका पहले नाम क्या था, पुंगी, हाँ पुंगी, उसकी आवाज़ जो थी वो तीखी थी, चुभती थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, एक नाई ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसमें बीच में छेद कर दिए, तो आवाज़ जो थी वो सुरीली हो गई, है ना, तो वो हाँ, तो वही बात है, जब आवाज़ में सुरीलापन होता है ना, तो टिम्बर क्या बात करता है, अंडरलाइन को, क्वालिटी, टिम्बर का मतलब होता है क्वालिटी, क्या होता है, टिम्बर इज नथिंग बट इज़ अ क्वालिटी, क्या लिखोगे, क्वालिटी और टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश, जो हमें इस लायक बनाता है कि हम अंतर कर सकें बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस, इसकी सेम पिच और लाउडनेस बाई डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टिम्बर होता है, यानी अलग अलग उसकी क्वालिटी होती है, फ्लूट का टिम्बर कैसा है, देख रहे हो, है ना, और वायलिन का टिम्बर कैसा है, देखो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा क्या होता है, वेव्स है ना, वेव लेंथ बताई थी ना मैंने, तो वेव लेंथ जो होती है वैसे चलती है, लेकिन इसकी ऐसे से जा रही, इसकी थोड़ी घूम घाम के जा रही है, सुनो, हाँ जी नहीं, तो ये था, बाकी ऐसी प्रैक्टिकली तो है नहीं, सब थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं ना, है ना, तभी तो हम डिफेंस कर पाते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ है, और ये मोहम्मद रफ़ी की, है ना, और ये किशोर कुमार कौन है, ये राइट वाली कौन सी सिंगर है, कोई बताएगा, हाँ ये तो किशोर कुमार है, टोपी लगाए हुए हैं, जैन के बारे में पता है आपको, ये किशोर कुमार और मुकेश दोनों भाई हैं, लेकिन किशोर कुमार को किसी ने गाना नहीं सिखाया, नेचुरल थी इनकी आवाज़, सिखाते हुए पुराने गाने सुने होंगे, आवाज़ बहुत खींचते थे, है ना, तो ये किशोर कुमार है ना, और इनके भाई, और उस समय सबसे बड़े सिंगर कौन थे, मोहम्मद रफ़ी, उस समय के सबसे बड़े सिंगर, अभी तक इनके गाने चलते हैं, मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, और बगल में कौन है, किशोर कुमार, वहाँ गाना नहीं है, मेरे महबूब कयामत होगी, इन्हीं का गाना है, किशोर कुमार का, इनका ये, ठीक है, ये टोपी लगाए हुए हैं जो, चलो आगे बढ़ें, अब बात करते हैं ह्यूमन ईयर, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, बाय।